दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार से समझौता होने के बाद समाप्त हुए 13 महीने के किसान आंदोलन के बाद अब फिर किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट उठा है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा न करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम भारत वर्ष में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान जो केंद्र सरकार ने वादा किसानों से किया था वह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अगर जल्द ही किसानों के सभी मुद्दों पर सरकार खरा नहीं उतरती तो फिर दोबारा किसान सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम अपना लिखित ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर राष्ट्रपति से जल्द किसानों के सभी मुद्दों को पूरा करने की मांग की है। बॉर्डरों पर 13 महीने पहले चले थे, कई महीने पहले 13 महीने का जो आंदोलन हुआ था कृषि कानूनों की वापसी के बाद, जो हमारे से समझौते करे गए थे संयुक्त किसान मोर्चा से, वो केंद्र सरकार ने पूरे नहीं करे। उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे भारतवर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम डीएम को आज ज्ञापन दिया गया। और राष्ट्रपति महोदय जी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को समझा के जो हमारे साथ वादे किए थे उन्हें पूरा कराने का काम करें। तो यही हम आज डीएम के माध्यम से आज ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार को चेताना आए थे, वरना फिर दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा अगर हमारी बात पूरी नहीं होती तो केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा उग्र आंदोलन फिर किया जाएगा। काफी समय हो चुका है कृषि कानून वापसी में, लेकिन अभी तक भी जो मुद्दा रखा गया था एमएसपी का अभी तक नहीं लागू। देखो हम यही आज हमने ज्ञापन दिया है, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अब इनकी सरकार बन ली और 25 तारीख को हम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। भाई इन्होंने कहा था 4 राज्यों में है, इनकी शपथ ग्रहण करने के बाद अगर ये आगे नहीं बढ़ते उन मुद्दों पर तो हम ये फिर आपको कह रहे हैं पूरा संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसान उग्र आंदोलन करने के लिए दोबारा फिर हो जाएगा दिल्ली के बॉर्डर पे हम दोबारा फिर बैठना पड़ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।